हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक को भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने संबोधित किया। वक्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी को भारी मतों से जिताकर शिवराज सरकार को मजबूत करने की बात कही। इस अवसर पर वक्ताओं ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैठक के दौरान भाजपा प्रत्याशी मनोज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में कुछ काम नहीं हुए, इस वजह से कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। कि कोई दोस्त रहता है, कोई एक पार्टी में है और उसके साथ अगर कोई उसके खिलाफ लड़े तो वो क्या कहलाएगा, और अगर पार्टी छोड़कर आमने सामने लड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ईमानदार, क्या हाट पिपलिया विधानसभा में अलग पार्टी होती है और सोनगंज में अलग पार्टी रहती है? सोनगंज में आप पार्टी के खिलाफ लड़ते हो, हाट पिपलिया में उसी पार्टी का झंडा उठाकर चलते हो, तो बताओ गद्दार कौन हुआ? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।